नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। डीजल डलवाने आए ट्रक में लगी आग, पंप के कर्मचारी की बदौलत चला बड़ा हादसा। इन दिनों देश में गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। पर वो लोग क्या करें जिन्हें गर्मी हो या सर्दी, काम करना ही पड़ता है। इतनी तपती गर्मी में यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ लेकर जाना होता है और इस बढ़ते तापमान के बीच बाइक, कार और ट्रक जैसे कई वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच एक जरूरी सूचना कि ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। अब आप यहां वीडियो देख लीजिए जहां एक ट्रक में डीजल भरवाते समय जोरदार धमाका हो गया। दरअसल ये दृश्य इतने ज्यादा विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल इस वीडियो में एक ट्रक डीजल भरवाने आता है और कर्मी डीजल भरता है। एकदम से इतना बड़ा धमाका होता है कि सबका कलेजा ही मुंह को आ जाता है, जिसमें कर्मी उस आग की चपेट में आ जाता है। ये एक वायरल वीडियो है जो दिल को दहला देने वाला है। वहीं आप दूसरा वीडियो देखेंगे जो तेलंगाना के भुवनगिरी का है, जहां एक ट्रक पेट्रोल पंप पर आता है और आते ही इसमें जोरदार धमाका होता है, पर फिर भी यहां एक कर्मचारी फायर एक्सटेंशन के जरिए इस आग को बुझाता है। वो स्थिति में घबराता नहीं है और उसी की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं। तो ड्राइवर भाइयों की माने तो ये हादसे गर्मी की वजह से हो रहे हैं। गाड़ी गर्म हो तो ये हादसे हो जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ड्राइवरों की समझ से इन हादसों के असल कारण क्या है। भाई जी, आप वीडियो देख लो। ये वीडियो देख के अपन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो जो भी आप कुछ सफर करके जा रहे हैं, अपनी गड्डी नू जांदे सार पंप ते ना लाओ, क्योंकि भाई जी गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है। गर्मी इन्नी है भी टंकी दे विच डीजल हल हल के गैस पैदा हो जाती है। जिहड़ा सिलेंसर दा सेक हुंदा ओह भी टंकी दे कोल दी हुंदा है। टायरां दा सेक हुंदा ओह भी टंकी दे कोल ही हुंदा है। सो इस करके ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੋ, ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲਦਾ ਹਲ ਹਲ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਓ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਝਾਓ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। तो आपने सुना कि ड्राइवर भाई ने कहा अगर आप ऐसे हादसों से बचना चाहते हैं तो गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाने से पहले ही कहीं रोक दें ताकि वो थोड़ी देर ठंडी हो जाए और ऐसे हादसों से आप निजात पा सके। तो इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।